वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल्स, में थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर ऊपर से बताया था, लेकिन उसमें ये चीज़ें मैंने नहीं बताई थी ज़्यादा डीप। अब मैं थोड़ा थोड़ा डीप बताने वाला हूँ कि ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल में कैसे फॉर्मूले याद रखें, कैसे मैग्निफिकेशन के वैल्यू याद रखें, क्या होता है उसका एम्पलीफिकेशन, मतलब उसका एम्पलीफाई क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और भी कुछ बातें करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कुछ। बहुत से बच्चों को फॉर्मूला आते हुए दिक्कत होती है, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, सेम टू सेम, बस जरा सा फर्क है। देखिए यहां पर प्लस है, माइनस है, यही कंफ्यूजन होता है। कई बार बच्चे इसको लेंस फॉर्मूला, इसको मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं, वहां मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान रखना है, मिरर फॉर्मूला एम, मिरर एम से मोर, मोर मीन प्लस, दैट इज प्लस। लेंस एल, लेस, माइनस। अगर मिरर में यहां प्लस है तो मैग्निफिकेशन वाले में माइनस होगा मिरर के फॉर्मूले में, लेंस में यहां माइनस है तो यहां होगा प्लस। इतना अपने अपने दिमाग में ठूस लेना है। मैग्निफिकेशन में जनरल फॉर्मूला ये भी होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो दोनों के लिए जनरल है। लेकिन वी अपॉन यू वाले में, मिरर में क्योंकि यहां प्लस था, मोर था, तो यहां माइनस होगा मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में, माइनस वी अपॉन यू, प्लस होगा। अच्छा, U क्या है, F क्या है, V क्या है? F, F for focal length, F is the focal length, mirror है तो mirror की, lens है तो lens की। Convex surface की focal length हमेशा positive होगी, convex, last में X है, X को ऐसे ना देख के ऐसे देखिए, plus, convex, ऐसे, चाहे convex mirror हो, चाहे convex lens हो, focal length plus होगी, concave की होगी minus, बिल्कुल। और plane mirror की focal length होती है इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इन्फिनिटी। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की हाफ होती है, वो आपको पता होगा। ये फॉर्मूले हुए। इसके बाद एम की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के बाद एम की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो आएगी नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर m की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आई है, साइन की बात कर रहा हूं मैं, m की वैल्यू अगर निगेटिव साइन के साथ आई है, इसका मतलब वो इमेज आपकी रियल है, इमेज आपकी रियल है। और रियल इमेज इन्वर्टेड भी होती है, ऐसे, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखी है तो इसकी इन्वर्टेड मतलब ऐसे ऐसे होगी आपकी इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हो। स्क्रीन क्या हो सकती है, एक सिंपल पर्दा हो सकता है, कर्टेन हो सकता है, दीवार हो सकती है, और भी कुछ, पेपर हो सकता है, पेपर पर आप इमेज ले सकते हो, जो भी आप इमेज जिस पर अगर आपकी बन रही है स्क्रीन पर, दैट इज स्क्रीन। पॉजिटिव वैल्यू एम की, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी 100%, 10th क्लास की बात कर रहा हूं। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, रियल को ले सकते हो। तो क्वेश्चन घुमा के भी देता है कि एक इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो उसके लिए एम की वैल्यू कैसी होगी? स्क्रीन पे इमेज बन रही है यानी रियल है तो नेगेटिव होगी एम की वैल्यू, खत्म बात। अच्छा, अब इसमें खास बात, एम का मैग्नीट्यूड, ये मैंने एब्सोल्यूट बार लगाया हुआ है, सॉरी बार कर रहा हूं, मोड लगाया हुआ है, बार सॉरी मोड लगाया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैग्नीट्यूड अगर एम का 1 से कम है, एम की वैल्यू 1 से कम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इमेज होगी छोटी, स्मॉल। अगर एग्जैक्टली 1 के बराबर है तो इक्वल, और एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, भले थोड़ी सी बड़ी हो तो इमेज होगी लार्ज, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी होगी। तो ये भी आपने जो है ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है। और m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल है, प्लस है तो वर्चुअल है, 1 से छोटी है तो स्मॉल है, 1 के एग्जैक्ट बराबर है तो इक्वल है, 1 से बड़ी है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज लार्ज है। इतनी बात हमने याद रखनी है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको इसमें समझाने वाले हैं कि कैसे आपने ये सब चीजें लेनी है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 5 एग्जांपल ले रखे हैं आपके लिए, m की वैल्यू प्लस 2, m की वैल्यू प्लस 0.8, m की वैल्यू प्लस 1, m की वैल्यू माइनस 0.8, m की वैल्यू माइनस में 2।
तो सबसे पहले पहला एग्जांपल एनक्यूएल प्लस टू देखिए, सबसे पहले साइन प्लस का है, प्लस का साइन है, मैंने बताया था प्लस का साइन है, तो आपकी इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी बात, वर्चुअल इरेक्ट। इस साइन को भूल जाइए, अब देखिए वैल्यू टू, क्या ये वन से बड़ी है, वन से छोटी है, वन के बराबर है? आंसर है वन से बड़ी है, बड़ी है तो लार्जर इमेज, इमेज का साइज हो जाएगा बड़ा ऑब्जेक्ट के मुकाबले, लार्ज साइज, इमेज का साइज लार्ज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड एग्जांपल फिर से, साइन कैसा है, प्लस, प्लस साइन का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, साइन आपको सिर्फ ये बताता है इमेज का नेचर, इमेज का नेचर। अच्छा करिए, अगर नेचर निकालने को है ना, तो आपका एम निकालना है, बेसिकली बात ये है। पॉजिटिव साइन वर्चुअल इरेक्ट, अच्छा ये वैल्यू कितनी है, इसको बोल रही है वैल्यू 0.8, क्या ये वन से बड़ी है? नो। क्या ये वन के बराबर है? नहीं। क्या ये वन से छोटी है? छोटी है वन से। तो इसका मतलब इमेज का साइज स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, 0.8 फैक्टर से कम हो गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल फिर से, एम की वैल्यू प्लस वन, प्लस मींस वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट वन, अब ये वन क्या एक से छोटा है? नो। क्या एक से बड़ा है? नो 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 नो। क्या ये एग्जैक्टली वन के बराबर है? बिल्कुल, यानी कि सेम साइज, वन सेम साइज, इक्वल साइज, और ऐसा कौन सा मिरर है भैया मेरे, वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज की देगा? बिल्कुल, प्लेन मिरर, वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज, सही सोचे। एक और एग्जांपल, एम की वैल्यू -0.8, माइनस माइनस क्या बताएगा, माइनस का मतलब रियल, रियल है तो इन्वर्टेड भी है, इतनी बात समझना आ गई माइनस का मतलब। अब ये वैल्यू क्या है एक से, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, आपको माइनस को भूल जाओ, ये देखो ये वैल्यू क्या है, एक से बड़ी, एक से छोटी है, एक से बराबर है, एक से छोटी है, स्मॉलर इमेज, इंपॉर्टेंट बात, ये वाला क्वेश्चन, एम की वैल्यू -2, बहुत से बच्चे बिना देखे जी एम की वैल्यू -2 एक से छोटा है, एक से छोटा है क्योंकि -2 है, -2 है, एक से छोटा है, कर दो खत्म, छोटी इमेज, गलत। देखिए एम की वैल्यू माइनस, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, अब माइनस को भूल जाइए, मैंने बोला था सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मोड लगाया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, टू, क्या टू वन से बड़ा है, वन के बराबर है, वन से छोटा है? वन से बड़ा है, यानी कि लार्जर इमेज, लार्जर इन साइज। तो ये एग्जाम्पल है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इमेज का नेचर एम से। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एम की वैल्यू +3, एम की वैल्यू +3 या +2, ये कौन सा मिरर हो सकता है, कौन सा मिरर हो सकता है, देखिए कौन सा मिरर हो सकता है। मिरर आपके कोर्स में सिर्फ तीन टाइप के हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर बनाता है हमेशा सेम साइज की, और ये +2 का मतलब लार्जर साइज है, ये तो नहीं हो सकता। अब वर्चुअल इरेक्ट बनाता है कॉन्वेक्स हमेशा, कॉनकेव बनाता है, कन्वर्जिंग होता है, रियल बनाता है, लेकिन सिर्फ एक केस बनाता है कॉनकेव वर्चुअल। बिल्कुल, फोकस से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखिए, और जो कन्वर्जिंग होगा ना, जो कन्वर्जिंग होगा अगर वो वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, हालांकि कन्वर्जिंग हमेशा क्या बनाता है, रियल, अगर वो वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है तो वो बड़ी इमेज बनाता है, और डाइवर्जिंग हमेशा बनाता है छोटी इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और छोटी, तो ये कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी, तो ये डाइवर्जिंग नहीं है, ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर। अगर लेंस की बात होती तो फिर से ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है दिमाग में डाल लो, फोकस से पहले, फोकस से पहले है तभी कन्वर्जिंग बड़ी बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट बड़ी।
अदरवाइज वर्चुअल इरेक्ट छोटी ही बनेगी। डाइवर्जिंग क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बनाएगा। दिस इज द डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, वर्चुअल इरेक्ट छोटी, या फिर डाइवर्जिंग लेंस, वर्चुअल इरेक्ट छोटी, डाइवर्जिंग कोई सा भी हो। डाइवर्जिंग लेंस मींस कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है। एक क्वेश्चन भी आता है, कॉन्वेक्स मिरर को ज्यादातर व्हीकल में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है। दूसरी बात, छोटी इमेज बनाता है, बहुत बड़ा ट्रक इतना सा दिखता है, बहुत बड़ा पेड़ भी उसमें आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज, पीछे का ट्रक सीधा ही दिखता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, एम से क्या एम्पलीफाई निकलती है वैल्यू, तो आपने जो है ध्यान रखना है। बहुत अच्छी ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें से कहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, कैसे रखी है, आप इसमें से देख के बता सकती हो। फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला में कोई दिक्कत होनी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना है, यू हमेशा 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 निगेटिव लेना है, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू हमेशा निगेटिव। वी की वैल्यू डिपेंड करती है, और इमेज किधर बन रही है, लेंस है तो किधर, मिरर है तो किधर, वो डिपेंड करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।